हो गया क्या? चल ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कि पिछले क्लास में है ना दैत्य वाले केस में एक सीन बन रहा था, ऐसा तुम लोग है ना सबसे पहले तुम हेडिंग लगा लो, सबसे पहले तुम हेडिंग लगा लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट है ना, एट एनी पॉइंट। और एनी पॉइंट मान लो कि डिस्टेंस आर है सेंटर से और स्प्रिंग कितना माना इसको मीटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट और इसका तुम लोग कितने डिस्टेंस पे दिया हुआ है आर पे और एंगल कितना दिया तुम लोगों को थीटा, कितना दिया तुम लोगों को थीटा, हो गया क्या? अब तुम लोग थोड़ा देखो, ये पिछले क्लास में ना देखो डाइपोल वाले केस में दो जगह हम लोग निकाले थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये डाइपोल था मान लो कि अपने पास ये डाइपोल था, यहाँ पर बिल्कुल सेंटर आपका प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे आपका है ना इसके एक्सिस पे पॉइंट पी पे निकाले थे क्या? बता फॉर्मूला कितना था पोटेंशियल एट पॉइंट पी का, कितना था दो ये पी अपॉन कितना था दो ये था ना, और डिस्टेंस का जो मेजरमेंट किए थे कहाँ से किए थे इसके ए पी एक, और एक हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले थे इसके पर पेंडुलर बाय सेक्टर पे, ये चार्ज डाइपोल आपका यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू, ये इसका सेंटर पॉइंट यहाँ से डिस्टेंस ए लेकिन कितना हो गया और यहाँ पे पोटेंशियल निकाल के बैठे थे तो देखे थे कि पर पेंडुलर बाय सेक्टर पे जो पोटेंशियल था क्या था वो यही बात थी कि डाइपोल के केस में है ना कि पर पेंडुलर बाय सेक्टर पे पॉइंट पी पर पोटेंशियल कितना दो लोग। अच्छा तुम लोग थोड़ा सा ऐसे इमेजिन करो क्या कि जैसे मान लो अपने पास डाइपोल है ठीक है, ये आपका डाइपोल था मिड पॉइंट है, यहाँ से इसका लेंथ एल और ये भी लेंथ कितना एल है ठीक है। ऐसे इमेजिन करो कि मान लो कि अपने पास एक प्लेन है, अपने पास क्या है तुम लोगों को एक प्लेन है जो कहाँ से पास कर रहा है तुम लोगों को इसके पर पेंडिकुलर बाई सेक्टर पे, ऐसे इमेजिन देख रहे हैं जैसे मान लो कि यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज और यहाँ प्लस क्यू चार्ज, अब ये जो है जो प्लेन है क्या कर तो माइनस क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज और प्लेन मान लो कि ऐसे प्लेन में ऐसे समझे बात, ये प्लेन क्या है इसके ऐसे परपेंडिकुलर है, इस वाले केस में क्या हुई सी बात है हम लोग क्या जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाय सेक्टर का पोटेंशियल क्या होता है जीरो। अब आज बढ़ जाए परपेंडिकुलर बाय सेक्टर पोटेंशियल कितना होता है तुम लोगों जीरो, यही होता है ना, इसका मतलब यही होगा इस वाले जो प्लेन तुम लोग दिखाई दे रहा है, ये प्लेन दिखाई दे रहा है तुम लोगों को इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा जीरो होगा है ना, ऐसा लिख सकते हैं आपका इच पॉइंट ऑन दिस प्लेन तो कितना आ जाएगा तुम लोगों को जीरो, इसका मतलब जीरो का मतलब क्या है यहाँ भी जीरो होगा यहाँ भी जीरो होगा यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो समझे बात, इसका मतलब जीरो का मतलब है कि पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा जीरो का मतलब इस वाले केस में पोटेंशियल अगर जीरो आ रहा है इस वाले केस में पोटेंशियल क्या होगा तुम लोगों को सेम और सेम किस बराबर होगा तुम लोगों को जीरो के बराबर। देखो जिस सरफेस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल अगर सेम होता है उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं तुम लोगों को इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है तुम लोगों को हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा तुम लोगों को सेम, समझे बात, इस वाले सरफेस तुम लोग क्या बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो कहीं पे अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसका मतलब क्या है दो पॉइंट पोटेंशियल सेम होगा तो चेंज पोटेंशियल कितना होगा तुम लोगों को जीरो, अगर कहीं पे तुम लोग को इक्विपोटेंशियल दिखाई जैसे ये देखो ये मान लो कि यहाँ पे देखो चार वोल्ट है, अच्छा इक्विपोटेंशियल यहाँ पोटेंशियल कितना होगा तुम लोग चार वोल्ट डिफरेंस कितना होगा चार के साथ कितना होगा तुम लोग जीरो, तो कहीं पे बस इतना ध्यान देना अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो चेंज पोटेंशियल कितना होगा तुम लोग जीरो। अब देखो यहाँ हो सकता है देखो इस वाले केस में जो डिवाइड कर रहा था परपेंडिकुलर बाय सेक्टर पे तो कितना था जीरो था, हो सकता है यहाँ भी चार वोल्ट यहाँ भी चार वोल्ट किसी और केस में समझे बात, अगर पोटेंशियल अगर सेम हो जाए इसको बोलते हैं और डिफरेंस कितना होता है जीरो समझे बात। यहाँ तक अपने देखो बकवास कर चुके थे, आप क्या निकालेंगे किसी रैंडम पॉइंट पर अगर निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे समझे बात को, इसको नोट कर दो रैंडम पॉइंट पे कैसे निकालते हैं पोटेंशियल वगैरह तो तुम लोग है ना इसको नोट करो। Thank you.
तुम्हारा घर है। गाड़ी दी मिल रहा है हो गया, दब कर दे इसको। हाँ हो गया। अब देखो ये अगर मान लो क्वेश्चन आज ऐसे आ जाए, देख रहे क्या, एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि अपने पास एक डाइपोल है, अपने पास क्या है तुम लोगों को एक डाइपोल है, और यहाँ से इसके मिड पॉइंट से मान लो कि 4 सेंटीमीटर में कोई पॉइंट तुम लोगों को पी है, और यहाँ से अगर कितना पता तुम लोगों को मान लो कि 30 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है कि इस डाइपोल की वजह से कितना पोटेंशियल है, समझे बात। क्वेश्चन मान लो ऐसे आ जाए कि अपने पास मान लो डाइपोल है, इसका मिड पॉइंट यहाँ कोई पॉइंट भी है, और यहाँ से मान लो डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, और एंगल कितना तुम लोगों को 120 डिग्री। मान लो यहाँ कोई पॉइंट एम है, तो यहाँ पे पॉइंट एम पर कितना पोटेंशियल होगा, और यहाँ पे समझ रहे हो। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए इस वाले केस में पता है क्या होगा, यहाँ पे आर कौन सा होगा तुम लोग 3 सेंटीमीटर, और थीटा कितना होगा तुम लोग 120 डिग्री। तो ऐसा करते हैं रैंडम अपन क्या करते हैं, निकालते हैं डेरिवेशन वगैरह, समझे बात को। अरे बोला है ठीक है, रैंडम क्या निकालते हैं इसका डेरिवेशन, सही है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अब देखो जो डेरिवेशन करते हैं, ये मान लो अपने पास एक डाइपोल है एक प्लस के, ये इसका मिड पॉइंट हुआ, यहाँ से कितना डिस्टेंस एल और यहाँ से कितना डिस्टेंस एल, सही है। यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट पी है, और यहाँ से कितना डिस्टेंस है आर डिस्टेंस है, और अगर कितना पता तुम लोगों को, ठीक है सही है। ये सबको पता है कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है कहाँ से होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, इस वाले केस में डाइपोल मोमेंट होगा तुम लोगों को ऐसे पी वेक्टर ही होगा ना, सही है पी वेक्टर ऐसे होगा, सही है पक्का, सही है पी वेक्टर तुम लोगों को ऐसे ही होगा, ठीक है। एक बात मेहनत का ध्यान रखना तुम लोग कि ये जो थीटा का जो मेजरमेंट करते हैं इनका डायरेक्शन हम क्या करते हैं पी करते हैं, थीटा इज मेजर, थीटा इज मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ पी, बात समझ में आ रहा है क्या। अब देखो इस वाले केस में क्या करते हैं कि इस डाइपोल को क्या करते हैं टू कॉम्पोनेंट डाइपोल में क्या करते हैं ब्रेक करते हैं, समझे बात, मतलब ये करेंगे हम वी ब्रेक दिस डाइपोल, वी ब्रेक दिस डाइपोल इनटू टू कॉम्पोनेंट ऑफ दिमाग लगाते
एक बात बताओ, अगर डाइपोल मोमेंट अगर ऐसे है, समझ रहे बात, तो डाइपोल मोमेंट का बताओ किस तरह कॉम्पोनेंट कितना आएगा, ये वाला कॉम्पोनेंट कितना आएगा तुम लोगों को, ठीक है, इससे बन रहा है क्या, तो यहाँ तुम लोग का आ जाए, क्या आ जाएगा तुम लोग, पी कॉस थीटा, कोई दिक्कत है क्या। और इसका जो परपेंडिकुलर जो कॉम्पोनेंट ए है ये कितना आ जाएगा तुम लोगों के, पी साइन। अब बात समझ में आ रहा है। अब देखो आप पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल है, आप देखो दो चॉइस होगा, एक होगा तुम लोग पी कॉस थीटा और एक किसको होगा तुम लोग पी साइन थीटा, यानी बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट आपका पी इक्वल टू हो जाएगा तुम लोग पोटेंशियल एक होगा तुम लोगों को पी कॉस थीटा की वजह से और एक किसको होगा तुम लोगों को पी साइन थीटा की वजह से, समझे बात। अब देखो ये पॉइंट जो पी है, पी कॉस थीटा के केस में बताओ किस पे है तुम लोगों को, एक्सिस पे है, ये क्या ये पी कॉस थीटा वजह से पोटेंशियल होगा, किस वजह से, किस पे है तुम लोगों को, एक्सिस। और पी साइन के वजह से बताओ ये लाइन ऐसे पी साइन रहेगा और किस पे होगा तुम लोगों को, परपेंडिकुलर बाईसेक्टर पे, यानी ये तुम लोग होगा तुम लोगों को परपेंडिकुलर बाईसेक्टर, यही होगा ना। और सबको पता है तुम लोगों को कि परपेंडिकुलर बाईसेक्टर में पोटेंशियल कितना होता है तुम लोगों को, जीरो होता है, यानी यहां से बोल सकते हैं केवल पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल होगा तुम लोगों को केवल होगा तुम लोगों को पी कॉस थीटा की वजह से, कितना होता है तुम लोगों को, जीरो। और सबको पता है कि एक्चुअल पोटेंशियल कितना होता है तुम लोगों को, ये पी अपॉन कितना रस होता है, तो वहां पर पी के जब क्या लिखेंगे आपका तुम लोग पी कॉस थीटा, यानी यहां बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एट आपका पॉइंट पी इक्वल टू हो जाएगा के पी कॉस थीटा अपॉन कितना हो जाए तुम लोगों का आर एस, यही होगा तुम लोग। अगर के का तुम लोग मान लो कि वैल्यू रखना चाहोगे तो आपको पॉइंट पी जो पोटेंशियल हो जाएगा तुम लोगों को 1 आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा तुम लोगों को पी कॉस थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, यही होगा तुम लोगों को रैंडम पॉइंट पे डाइपोल की वजह से अगर निकालना है तो पोटेंशियल यही होगा। एक बार चेक कर लेते हैं सही, एक बार इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं कि सही है नहीं। एक बार बताओ अगर बात करें आपका एट एक्सिस पे, अगर एक्सिस पे अगर बात करो तो इसका मतलब क्या है, जो पॉइंट आपका चल रहा है कहाँ पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, इसका मतलब इसके से थीटा का मान कितना हो जाएगा, एक्सिस पे थीटा का मान कितना हो जाएगा तुम लोग इसमें पुट करो तुम लोग, यानी पोटेंशियल एट अगर एक्सिस अगर करोगे तो कितना है, कॉस 0 आएगा, कॉस 0 का मान कितना आएगा 1 होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा के पी अपॉन कितना आ जाएगा आर एस, ये अपना हुआ था, ये हुआ था क्या बोला है। और इसी वाले केस में अगर बात करें आपका एट परपेंडिकुलर बाईसेक्टर पे, तो बताओ परपेंडिकुलर बाईसेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट आपका चलते चलते कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी इस वाले केस में कितना बन जाएगा तुम लोग 90, इस वाले केस में थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा तुम लोगों को 90 डिग्री, से पुट करो इसका मतलब पॉइंट पी पे सबको पता कॉस 90 कितना होता है, और इस बात को हम प्रूफ कर चुके हैं कि परपेंडिकुलर बाईसेक्टर पे आपका पोटेंशियल कितना होता है, जीरो, इक्वल मिल जाता है और डिस्टेंस सेम रहता है, समझे बात, और एक्सिस पे कितना होता है, तो ए याद करना तुम लोग, कभी यूनिट वगैरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है आर एस का मान दे देता है पोटेंशियल वगैरह, तो वहाँ वैल्यू पुट करके तुम लोग निकाल सकते हो। चाप ले तो नीट एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इसका डेरिवेशन। तो डाइपोल केस में देखो तीन ही केस बनता है, एक बनता है इस एक्सिस पे, एक बनता है इसके परपेंडिकुलर बाईसेक्टर पे, और एक रैंडम पॉइंट बनता है, ये तीनों का जो डेरिवेशन है हम तुमको समझा दिए हैं, तीनों का जो डेरिवेशन है तुम लोगों को समझा दिए, अब तुम लोग समझ में आ भी गया होगा। तो अब ऐसा करते हैं, शिव वर्मा सर का बुक निकालो, पोटेंशियल और जितना जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कम्प्लीट कर लेते हैं, और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है। एक फार्मूला है वी इक्वल टू ई इनटू डी होता है, यहाँ पर वी क्या होता है पोटेंशियल, ई क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, डी क्या होता है दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस। तो ये रैंडम क्वेश्चन था जो आता है कभी नीट एग्जाम में, ऐसे है ना चार डायग्राम बता देगा पूछ ले कहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है कहाँ पोटेंशियल कम है इस वाले केस में, क्या ये तुम लोग कर लोगे। अब जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं।